श्री अरविंदो के योग को रूपांतर योग क्यों कहा जाता है? इस रूपांतर के लिए कितने सोपान हैं? Why श्री अरविंदो से योगा is called as the yoga of transformation? What are the steps for this transformation? इस योगा को योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए बोलते हैं कि एक स्थायी परिवर्तन अभी तक हो नहीं पाया इस जगत में। जितना भी परिवर्तन अभी तक हुआ वो फिर पीछे चल गया। युग में भी ऐसा है, सतयुग के बाद जो हमारा तृतीया द्वापर उसका बाद कली फिर सत्ययुग, ये जो ऋतुचक्र के जैसा घूमता है लेकिन परमानेंट चेंज नहीं होता है। मनुष्य जहाँ था वहीं पे, साइंस में डेवलपमेंट किया है लेकिन वो जहाँ था वहीं पे, उनका नेचर में कुछ चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा खराब हो गया क्योंकि उस समय वो जो इक्विपमेंट यूज कर रहा था उसमें ज़्यादा खराब नहीं हो पा रहा था। अभी न्यूक्लियर बम यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा खराब हो गया, तो मनुष्य का नेचर भी चेंज नहीं हुआ। जो पृथ्वी का जो विवर्तन जो इवोल्यूशन इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ। इन एसेंस बाहर रूप में चेंज हुआ है लेकिन इन एसेंस जहाँ है वहीं वहीं पे, तो वो जो चेंज होगा श्री अरविंद योग में वो परमानेंट चेंज होगा। ऐसा नहीं है साइक्लिक, एक बार आ गया फिर चल गया फिर आ जाएगा, उसको रूपांतर नहीं बोलते। तो रूपांतर क्या है कि ये जो जगत जिसको शंकराचार्य मिथ्या बोल रहे थे, श्री माता जी भी एक वाणी में लिखे हैं कि द वर्ल्ड इज फॉल्स द सुप्रीम इज ट्रूथ। तो उनको पूछा गया तो आप जो बोल रहे हैं वर्ल्ड इज फॉल्स और शंकराचार्य जी भी लिखे हैं वर्ल्ड इज फॉल्स, तो डिफरेंस क्या है? तो माता जी बोल रहे हैं मैं वर्ल्ड को फॉल्स नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड जिस स्थिति में अब है वो फॉल्स है। शंकराचार्य बोल रहे हैं वर्ल्ड इटसेल्फ इज फॉल्स, हम लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड इटसेल्फ इज नॉट फॉल्स, वो फॉल्स नहीं है, अभी जिस ढंग में है वो फॉल्स है, वो इल्यूजन है। तो उसका सही रूप ले आना, जिस रूप में है अभी उसको सही रूप में ले आना, दिव्य रूप में ले आना, वो है रूपांतर। रूप का जो परमानेंट चेंज होगा दिव्य शेप ले लेगा तो उसको बोलते हैं रूपांतर, यानी परमानेंट चेंज उसको बोलते हैं रूपांतर। अभी तक इसको इसके लिए प्रयास भी नहीं हुआ था क्योंकि समय नहीं आया, अभी समय आ गया इसलिए श्री अरविंद माता जी आए हैं और इसको ये धरापृष्ठ को सर्प बनाएंगे। वो सर्प ऐसा सर्प नहीं है कि फिर कलयुग आ जाएगा, ऐसा सर्प है जो परमानेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं रूपांतर योग। उसका बाद जो है इस रूपांतर के लिए कितना चरण है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें श्री अरविंद विभिन्न साधक को विभिन्न स्टेप्स बताए। और इंटरेस्टिंग है कि हर आदमी को बोला है दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो कितना फर्स्ट स्टेप है इसमें, इस योग में इसको समझना है। सपोज मैं एक घर का अंदर में आ गया, आने के लिए चाह रहा हूं, मुझे बोल रहे फर्स्ट गेट क्रॉस कीजिए, गेट क्रॉस कीजिए, उसका बाद फिर आप बोलेंगे फर्स्ट डोर क्रॉस कीजिए, फिर फर्स्ट आ गया, इसका बाद बोल रहे हैं फर्स्ट रूम अंदर में जाइए, कितना फर्स्ट आ गया, लेकिन अलग अलग स्टेप्स है। ऐसे ही श्री अरविंद जब बोल रहे हैं फर्स्ट 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 या पहला कदम है, बाहर से लगता है कितना पहला कदम है लेकिन फर्क रहता है, फर्स्ट गेट फर्स्ट डोर फर्स्ट रूम फर्स्ट फाउंडेशन ये सब अलग अलग है। तो साधक जहां से शुरू करता है वहीं से उनको जो नियत है वही बात उनको बोल रहे हैं, तो यहां से शुरू करो दिस इज द फर्स्ट स्टेप,
इसलिए आप देखेंगे उनका राइटिंग में कितना ज्यादा में वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है। मैं बताऊंगा एक एक। श्री अरविंद योग में दो इम्पोर्टेंट स्टेप है श्री अरविंद के, वो इम्पोर्टेंट स्टेप के बिना ये योग नहीं हो सकता है। एक है माता जी की शरण लेना विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ मदर, दिस योगा इज नॉट पॉसिबल। ये तो पहला चरण है। दूसरा है उनको वो इतना बोलकर छोड़ दिए थे, साधक पूछे थे बाद में कि आप जो पहले थे बोले थे दो टू इम्पोर्टेंट स्टेप्स, एक तो बोल दिया माता जी का शरण लेना है, दूसरा स्टेप क्या है? तो उन्होंने उस समय बोले पृथ्वी पर दिव्य जीवन के लिए अभिप्सा कर, एस्पायर फॉर द डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ। इस पृथ्वी पर दिव्य जीवन के लिए अभिप्सा करना, आकांक्षा करना, वो दूसरा स्टेप। तो ये योग का दो स्टेप का बात में वो बोले। लेकिन दूसरा जो और एक साधक को वो बोले कि इस योग का इम्पोर्टेंट स्टेप है, पहला एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है निरवता, शांति और समता, व्यवहारिक जीवन में स्थापित होना योगा का एक महान कदम है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फिर दूसरा चीज जो बोल रहे हैं कि शांति, निरवता और समता, ये तीनों अगर नहीं होगा कहाँ होगा ना हमारा जीवन का व्यवहारिक जीवन। हम लोग टेंशन में रहते हैं, आजकल 10 में नहीं रहा, 1000 हो गया, 1000 सन, पहला 10 था। हर चीज में हम लोग टेंशन में रहते हैं। तो दिस योगा इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब हम लोग शुरू नहीं है, है उस रास्ते में जा रहे हैं। कब शुरू होगा? जब हमारा अंदर में निरवता आ जाएगा, शांति आ जाएगा, समता आ जाएगा, प्रैक्टिकल फील्ड में। ऐसा नहीं आप यहाँ बैठे तो ठीक है, जब आपको आपका एनिमी खड़ा है और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस समय आपका पोजिशन क्या है? अगर उस समय आप विचलित नहीं होते, आपका अंदर में शांति रहता है, समता रहता है, तो आपको पता चल गया कि मैं योगा का जो इम्पोर्टेंट स्टेप का अंदर में चले गए। तीसरा साधक को बोले कामना रहित होना किसी भी योग का प्रारंभिक चरण है। इसलिए इस योग में भी ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, हर योगा में बहुत इम्पोर्टेंट है कामना रहित, डिजायरलेस। हम लोग तो भगवान के पास डिजायर फुलफिल करने के लिए, श्री अरविंद बोल रहे हैं डिजायरलेस होने का प्रोसेस में साधना शुरू होता है। लेकिन श्री अरविंद बोल रहे हैं कि हर आदमी को अगर बोलेंगे कि तुम कामना छोड़ो तो छोड़ेंगे, तो वो जब आएंगे कामना फुलफिल करने के लिए, डिजायर फुलफिल करने के लिए, इनिशियल स्टेज में उनको अलाउ किया जाएगा कि वो समझेगा कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नॉट गुड, मास्टरी ऑफ डिजायर इज गिविंग रियल आनंद। आप डिजायर को फुलफिल करने से जितना आनंद मिलता है उससे ज्यादा आपको आनंद मिलेगा जब आप वॉलंटियरली, कोई बोलेगा तो होगा नहीं, आपका अंदर में इच्छा होगा, कोई दूसरा बोलेगा कि इसको कंट्रोल करो, श्री अरविंद ने बोलेंगे तो आप इधर नहीं आएंगे, कहीं चला जाकर खा जाए। वॉलंटियरली मीन सेल्फ डिसिप्लिन, आप रियलाइज किए हैं माता जी जो बोल रहे हैं वही सच्चे, तो मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो माता जी बोल रहे हैं कि डिजायर को फुलफिलमेंट करने से जितना आनंद मिलेगा, डिजायर का ऊपर मास्टरी आने से उससे ज्यादा आनंद मिलेगा। क्यों मिलेगा उन्होंने बता दिया। आप अगर डिजायर को कंट्रोल करेंगे तो आपका कनेक्शन साइकिक का साथ हो जाता है या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का साथ हो जाता है, तो वहां तो पीस रहता है, वहां तो आनंद रहता है, साइकिक का अंदर में आनंद रहता है, वहीं से आ जाता है। डिजायर क्या करता है उसका ऊपर कवर कर वो स्लाइड प्रेजर देता है,
वो क्लोज कर देता है सोर्स को, थोड़ा सा प्रेजर देता है। हम लोग वही बोलते हैं कि ये जाता है, क्योंकि पता नहीं है इसका पीछे साइकिल भी, इसका ऊपर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो अगर डिजायर को कंट्रोल कर दिया, मास्टरी लेकर आ गया, तो हमारा कनेक्शन हो गया साइकिल का साथ, नहीं तो ऊपर जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का साथ हो गया, तो नेचुरली आनंद हमारा अंदर आ जाएगा। उसका सामने जितना भी प्लेजर है वो कुछ नहीं। तो आप लिख कर रखिए, लास्ट में एक ही साथ करें, क्योंकि फ्लो कट जाएगा। तो जो डिजायर का फुलफिलमेंट करने से, डिजायर को, डिजायर का ऊपर मास्टरी आने का योगा का, हर योगा का इम्पोर्टेंट स्टेप है, हमारा योगा में भी है, लेकिन वो वॉलंटियरली करना है। आप देखिए विभिन्न संस्था में क्या है कि नैतिक नियम पालते हैं कि इस ये करना है, ये करना है, ये करना है। माता जी बोल रहे हैं हमारा संस्था में नियम रहता है, लेकिन एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि वो उनको अगर रियलाइजेशन नहीं होगा तो वो करेगा नहीं, करने का है। तो वो पहला अनुभव करेगा कि इसको मतलब मुझे करना है। वो जो प्रयत्न करेगा, उनका प्रयत्न से भी विजय नहीं आएगा। उनका प्रयत्न क्या होगा कि भगवान का कृपा को क्रिया करने के लिए स्कोप देगा। आप अगर सिंसियरली एक चीज ट्राई कर रहे हैं, आपका इतना पावर नहीं है चेंज करने का, लेकिन आप कृपा का पात्र हो जाएंगे। यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ग्रेस। वो जब काम करना शुरू करेगा तो जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, आपका अंदर में जो कर रहे हैं जिसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो आपका अंदर में काम शुरू किया उनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वो एक स्टेप। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अहंकार का ऊपर महारत हासिल करना, योग करने के लिए पहला अपरिहार्य कदम है। फिर दूसरा, दूसरा साधक को पहला अपरिहार्य कदम बोल रहे हैं। तो ईगो, क्योंकि भगवान जो बनाया है सृष्टि, ईगो का थ्रू में बनाया है, कंट्रैक्ट दिया है उनको, मेरे लिए घर बनाओ, तो ईगो ही अब तक हम लोग को इतना दूर लेकर आया। इसलिए ईगो वास्ते हेल्पर बोल रहे हैं, ईगो हम लोग को सहायता किया, क्योंकि हम लोग इतना दूर आए हैं ईगो के लिए आए, डिजायर के लिए आए, नहीं तो कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा। आपको थोड़ा डिजायर का अट्रैक्शन दे देंगे, ईगो का अट्रैक्शन दे देंगे, आप कम दिन में मैनेजर हो जाएंगे, पावर आपको मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो आप काम करेंगे, तो एक्टिव हो गया आप। जो निश्चेतना में थे, अवचेतना में थे, लेजीनेस में थे, आपको कौन हेल्प किया? वही कामना हेल्प किया, वही अहंकार हेल्प किया। देखिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, दूसरा बच्चा अच्छा पढ़ता है। तो मैं इस बच्चे को बोलूंगा, देखो वो तो मनुष्य है, तुम भी मनुष्य हो, तुम कुछ करने पर, तो उसका ईगो को हट करता है। वो बोलता है ठीक है नेक्स्ट ईयर आप आ जाइए, हम किसी से कम नहीं, मैं भी दिखा दूंगा। तो वो रात दिन भर प्रयत्न करता है, वो जो प्रयत्न का पीछे कौन उनको सहायता किया? ईगो सहायता किया, ईगो ईगो वध है। लेकिन जब भगवान आने के लिए चाहते हैं तो ईगो नहीं छोड़ते, उनको कॉन्ट्रैक्ट में दिया है कि मेरे लिए घर बनाओ, क्योंकि मैं ऊपर में एक हूँ नीचे अनेक होगा, इसलिए मेरे को अनेक घर चाहिए, तुम बनाओ, बना लिया घर। ईगो बोलता है मैं तो बना लिया, मैं रहूंगा, तुम कहां से आ रहे? तो यही पे योग शुरू होता है, टेल योर ईगो दैट योर आवर इज डन। रिटायरमेंट हो जाने के बाद अगर मैं मेरा सीट पर बैठ जाऊंगा तो सरकार मुझे क्या करेगा? जितना भी सम्मान देता था वो सम्मान नहीं मिलेगा, जेल को भेज देगा, मेरा काम खत्म हो गया। ऐसा ही ईगो का काम खत्म हो गया। अभी समय आया भगवान वो ईगो जो घर बनाया उसमें रहेंगे, वहीं से योगा शुरू होता है। योगा मीन्स भगवान का सत्संपर्क, योगा प्लस
माइसेल्फ इंडिविजुअल परमात्मा का साथ जो लिंक होता है उसको बोलते हैं ईगो। तो ईगो का ऊपर मास्टरी आना वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद वो बोल रहे हैं साधना में एक बड़ा कदम होता है जब सिर के ऊपर की सभी उच्च स्तर शामिल या समर्थन प्राप्त चेतना को महसूस किया जाता है। इसका मतलब हम लोग का चेतना यहाँ पे अगर रियलाइज करते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ साधना। क्यों? ये जो यहाँ अगर चेतना को आप एक्सपीरियंस करते हैं तो वो क्या करता है साइकिक को अपना योग में इन्वॉल्व करता है। यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंटल ये सबको एक ही साथ लेकर जा पाता है। हम लोग का चेतना को कहाँ हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अगर यहाँ एक्सपीरियंस कर लिया, यहाँ तो कर रहे हैं, यहाँ अगर एक्सपीरियंस कर लिया तो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप साधना। दूसरा साधन को शेयर में बोले जो साइकिक रियलाइजेशन का हो गया था उसके लिए बोले। उसके बाद वो बोल रहे हैं सोने का समय और जागृत का समय ये दोनों चीज है, सचेतन रहना है। अगर हम लोग जागृत का समय में सचेतन होते हैं सोने के समय में अचेतन में चले जाते हैं तो जितना भी एल किया है साधना में वो रात में चले जाएगा, अवचेतना में चले जाएगा। आप फिर नर्सरी से शुरू करेंगे सुबह, फिर नर्सरी एवरी डे हम लोग नर्सरी से शुरू करते हैं क्लास, एक क्लास दो क्लास जाते हैं फिर सो जाते हैं, सुबह फिर नर्सरी से शुरू होते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन काल चले जाता है। इसलिए रात में सचेतन होना, दिन में सचेतन होना, दिन में तो सचेतन नहीं होने से योग का कुछ मूल्य नहीं है, रात में अगर सचेतन नहीं होगा तो तब भी नहीं होगा। क्योंकि और साधना जितना भी आप अर्न किए हैं जितना आप सिद्धि हासिल किए हैं वो सब चले जाएगा उस साधना में अगर सचेतन नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे उसके लिए बहुत बड़ा मैंने श्रीअर माता जी ने बोला है कैसे उनका डिसिप्लिन है। लेकिन एक चीज हम लोग कर सकते हैं सोने का पहले माता जी को स्मरण कर 10 मिनट या 15 मिनट उनको प्रेयर कर बोलेंगे कि रात में मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा आपका साथ रहूंगा, ऐसा प्रेयर कर सोना है। हम लोग तो क्या है जी हर रोज सोते कर सोते हैं, तो रात में किसका साथ साक्षात होता है? भूत प्रेत का साथ साक्षात होता है। उनका साथ झगड़ा करते हैं और सुबह झगड़ा कर उठते हैं। तो रात के तो सोने का पहले 10 मिनट या 15 मिनट आपको जो अच्छा लगता है, बुक्स अच्छा लगता है बुक पढ़कर माता जी का साथ गाने से कर सकते, म्यूजिक ठीक है, गाना ठीक है, जो भी रिलेटेड टू द माता जी, जिस हिसाब से आप उनको उनका साथ कॉन्शियसली कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हर आदमी का अपना अपना चॉइस है लेकिन करना ही है। धीरे 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 वो आपका सचेतन निद्रा तक जाएगा, योग निद्रा उसको बोलते हैं। सब जब उठते हैं बिस्तर से तब हम लोग इमीडिएटली उठ जाते हैं, जैसा कि इमीडिएट कुछ इमरजेंसी काम है, ऐसा नहीं है। माता जी बोल रहे हैं कुछ समय कंसंट्रेट करो, माता जी को धन्यवाद दो कि रात में मैं इधर उधर नहीं हुआ आपका साथ बैठा था, आपका कृपा नहीं होने से नहीं होगा, अभी दिन में भी आपका साथ कैसा रहूंगा, ये दिन में शुरुआत कर रहा हूँ आपका साथ में शुरुआत, जहां पे भी हूँ जहां भी हूँ मैं आपका साथ नहीं रहूंगा। तो ये प्रैक्टिस करने से ही योग होता है, नहीं तो मशीन जैसा हम लोग माता जी का भक्त है ठीक है लेकिन हमारा और ऑर्डिनरी पर्सन में कुछ फर्क नहीं है। वही लाइफ हम लोग वो लोग जैसा जीते हैं हम लोग वैसे ही जीते हैं। एडिशनल चीज हुआ कि हम लोग माता जी को ग्रांट किया है वो दैट मच इज मोर, बट लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज नो डिफरेंस। योग नहीं शुरू हुआ वही पे है जो जानते। उसके बाद जो बोल रहे हैं जो हमारा निम्न प्रकृति है ऊर्ध्व प्रकृति है, तो दो नेचर है। ऊर्ध्व प्रकृति तो माता जी को चाहता है, जब निम्न प्रकृति माता जी को स्वीकार करेगा माता जी बोल रहे हैं दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, सीखो दैट
That is an important step where the lower nature accepts matter. लोअर नेचर हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है. हायर नेचर बोलता है ठीक है स्टडी सर्कल करो माता जी का काम करो. लोअर नेचर बोलता है आज अगर फिल्म नहीं जाओगे तो स्ट्राइक करो, आज अगर ये खाना नहीं होगा तो नहीं. वो हमारा डिवाइडेड लाइफ है. एक लाइफ चाहता है माता जी को उनका हिसाब से और एक लाइफ जिद करता है कि अगर ये नहीं होगा तो आई विल नॉट कोऑपरेटिव. उनका पावर इतना ज्यादा हो जाता है समटाइम्स वी have to fulfill the lower nature rather than our higher nature. तो वो भी एक important step है. जब हमारा lower nature माताजी को accept करे, that is very important. उसके बाद शरीर का साधना में माताजी के श्री अरविंद लिख रहे हैं कि भगवान का इच्छा शरीर जब accept करेगा, शरीर का अपना इच्छा नहीं भगवान का इच्छा. इधर वो मन का जो इच्छा है और प्राण का जो डिजायर है उसको फुलफिल करता है. इसलिए शरीर हर टाइम इलनेस आ जाता है उनका, क्योंकि लोभ मोह ये सब उनका ऊपर जबरदस्ती दिया जाता है. प्राण और मन अपना हिसाब से वो उनको यूज करता है. शरीर उनका हैबिट का हिसाब से जाता है. अगर शरीर दिव्य इच्छा को डिवाइन विल को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, इनका हैबिट में डिवाइन विल आ जाएगा, तो इट इज अ इम्पोर्टेंट स्टेप इन साधना ऑफ द बॉडी. शरीर का साधना में एक इम्पोर्टेंट स्टेप. और एक इम्पोर्टेंट स्टेप है टू डिस्कवर द साइकिक विंग. अगर साइकिक विंग हम लोग डिस्कवर नहीं किए, माता जी लिखे हैं कि आप और पशु में फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है आपका ह्यूमन बॉडी है उनका एनिमल बॉडी है. एनिमल इज लिविंग इन यू. तो साइकिक भी डिस्कवरी होने से रियल साधना शुरू होता है. उसका पहले हम लोग साधना के लिए ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन शुरू नहीं हुआ. रियल साधना शुरू होता है साइकिक भी. और तो थ्री स्टेप्स के बारे में बोले हैं, वो है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन. एक चैत्य रूपांतर. चैत्य रूपांतर का मतलब ये जो मन प्राण शरीर ये सब भगवान का इच्छा द्वारा परिचालित होगा. वो साइकिक बिंग एजेंट कैसा एजेंट जैसा काम करेगा. हृदय में प्रेम, हृदय में स्वच्छता, निर्भरता, जितना साइकिक क्वालिटीज है. प्रेम, प्रेम का मतलब हम दूसरों को जो प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम सही प्रेम नहीं है, क्योंकि जितना प्रेम कर रहे हैं उतना एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं. अगर मैं दूसरा आदमी को प्रेम किया तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इक्वल रेस्पॉन्स ग्रिट प्रोक्यूरेशन, वो वहां से भी उतना आना है, वो प्रेम नहीं है. ट्रू लव इज सेल्फ गिविंग, जॉय ऑफ सेल्फ गिविंग, देने में आनंद. वो साइकिक भी को पता है, किसी को पता नहीं. तो वो सब चीज जब हृदय में आएगा, मन क्या करेगा, मन में एनी एक्शन में हार्मोनी आएगा. जब साइकिसाइज हो जाएगा माइंड, हमारा जो हर काम में डिजार्मोनी है, हर हर थॉट में डिजार्मोनी है, वो समन्वित हो जाएगा, हार्मोनी आ जाएगा. जब साइकिक भी मन में काम कर रहा है, शरीर में काम करेगा, तब उनका लाइफ परफेक्टली जॉयफुल होगा, डिसिप्लिन होगा. तो उसको बोलते हैं हम लोग साइकिसाइज. उनका साइकिक का क्वालिटी जब मन प्राण और शरीर में आ जाएगा तब हम लोग उसको बोलते हैं साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन रेडी. और उनका काम क्या है, वो जब रेडी हो जाएगा तब यूनिवर्सल का साथ वो लिंक भी एस्टेब्लिश करेगा, ओपन करेगा डोर. साइकिक भी हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का साथ डोर को ओपन करेगा, तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा. स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम अकेला नहीं, विश्व ब्रह्मांड और मेरे में फर्क नहीं है, हम सब एक ही है, ये अनुभव आएगा. दूसरा है शांति, समता, ज्ञान, प्रेम ऊपर से हमारा अंदर में डिसेंड करेगा. वो है दूसरा सेकंड स्टेप, उसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन ये दोनों भी परमानेंट नहीं होगा जब तक सुप्रमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं.
भक्तिमानस आने तक आप जितना भी सिद्धि हासिल करो, बहुत उच्च लेवल में साधक जा रहे हैं लेकिन फिर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका श्लोक है जितना भी ऊपर जाओ गिरने का ये सुपरमेंटल है। अगर वहां एक बार बीच कर दिया तो साइकिक सिद्धि और स्पिरिचुअल सिद्धि परमानेंट होगा, तब तक यू कैन नॉट गिव एनी गारंटी। जैसा आप जो जो है लूडो का खेल जो है स्नेक और लैडर खेल है, आप अगर ऊपर चले गया 95 तक चले गया 98 तक चले गया, आप बोल सकते हैं कि आप दो है? नहीं बोल सकते, क्योंकि 99 में एक स्नेक है आपको दो कर लेवल पे आगे आएगा। ऐसा ही हमारा जीवन, जितना भी ऊपर जाएंगे यू कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अचीव्ड एनीथिंग, नथिंग इज डन टिल एवरीथिंग इज डन डाउन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। कुछ भी नहीं हुआ जब तक सब कुछ शरीर का कोष का स्तर में नहीं हुआ, वही काम है अधिमानस का। वो काम कर रहे हैं शरीर का कोष में भगवान को स्थापित कर रहे हैं, वहां स्थापित होने के बाद वो परमानेंट हो, वो साइकिक एक्सपीरियंस वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सब कुछ परमानेंट। यही है स्टेप्स, योगा का स्टेप्स।